आपको एक में घटना सुनाती हूं। एक बार की बात है मेरे भाई बहनों, एक बार एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति बेचारा खूब मारा था किस्मत का, इधर उधर भटका, खूब भटका खूब भटका, तो भी मेरे भाई बहनों उसके पास पैसे नहीं आ रहे थे। वो गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज को समस्या बताई। गुरु जी संत हृदय नवनीत समाना, गुरु जी ने मेरे भाई बहनों एक शंख पकड़ा दिया, कहा बेटा ये शंख ले जा, शंख के सामने जो भी इच्छा कहेगा वो सारी इच्छाओं को तेरा शंख पूरा कर देगा। जोरदार चीज दी कि नहीं गुरु जी ने? गुरु जी तो ऐसे ही होते हैं मेरे भाई बहनों। अब आप सभी सोच रहे कि हमको भी काश ऐसा शंख मिल जाए तो अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो शिष्य दरवाजे के बाहर निकल रहा था, शिष्य को गुरुजी ने आवाज लगाई, कहा बेटा रुक जाए, एक बात तो बताना ही भूल गया। कहा गुरुजी आदेश कीजिए। कहा बेटा इस शंख का सिस्टम थोड़ा अलग है। कहा कैसे? ये शंख तुझे एक बार देगा और तेरे पड़ोसी को दो बार देगा। अब शिष्य ने माथे पे हाथ लगा दिया, माथा पकड़ लिया कि गुरुजी ऐसा शंख दिया क्यों? अब ऐसे बोल के जाए कि थे तो रावत थारो शंख, ऐसे थोड़ी बोल सकते क्या? अब वो जैसे तैसे उस शंख को ले गया। दिमाग तो इतना खराब हो रहा था कि पूछो मत। और घर पे जाके भी, और पत्नी सामने खड़ी थी, सोचा कि देवी को बताऊंगा तो पूरे गांव में फैला देगी बात। उसने पेटी में डाल दिया शंख, ऊपर से ताला लगा दिया और चाबी फेंक दी। कालांतर से वो विदेश में चला गया पैसा कमाने के लिए। मेरे भाई बहनों आने में देरी होगी, पत्नी के पास जितना भी धन था वो खत्म हो गया, पत्नी परेशान होगी। पत्नी देखे कि पेटी में कुछ है, पेटी में कुछ है, पेटी में कुछ है। अब पत्नी ने एक दिन परेशान होकर ताला तोड़ दिया, पेटी खोली तो अंदर शंख। उसने किस्मत को मारा, कहा हे भगवान मेरे पतिदेव भी कितने पागल, या शंख छोड़ के गए, पत्थर का शंख, कुछ पैसे छोड़ के जाते तो कम से कम मेरे बाल बच्चों को खाने की तो व्यवस्था करती, कम से कम रोटी सब्जी तो खिला सकती। और ऐसा ही कहती वहां रोटी सब्जी प्रकट हो। अब देखे तो शंख तो जोरदार है भाई। अब उसने और ट्राई किया, कहा शंख, पहले तो दाल रोटी का ट्राई किया, कहा शंख थोड़ी दाल बाटी भेज दी। अब दाल बाटी आ गई। अब थोड़ी देर बाद ट्राई किया, शंख थोड़ी काजू कतली भेज दे। अब काजू कतली आ गई। दो घंटे बाद ट्राई किया है, शंख थोड़े रसगुल्ले भेज दे, रसगुल्ले आ गए। अरे अरे जोरदार चीज मिल गई। अब मेरे भाई बहनों उस औरत ने धीरे 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 करते 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 खुद का बहुत सुंदर मकान बना लिया, बढ़िया जोरदार। लेकिन उस बापड़ी को पता नहीं था कि उसका एक मंजिल का बना है तो उसके पड़ोसी का बिल्कुल वैसे के वैसे डुप्लीकेट दो मंजिल का बन गया। अब उसका पति लौटा विदेश से, मोहल्ले में गया, घर कहाँ है मेरा, मिल नहीं रहा है, इधर देखो उधर देखो मिले ही नहीं, पड़ोस का मकान भी बदल गया तो भाई पहचाने कैसे। उतनी ही देर में उसने अपना खुद का छोरा देखा, छोरे को बुला के कहा बेटा अपना मकान कहा, पिताजी यही तो मकान है। पिताजी ने जस्ट बगल में देखा, बिल्कुल वैसा के वैसा दो मंजिल का मकान। माथा इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ। घर में आया, पत्नी से ना बात की, ना बच्चों से बात की, ना किसी की तरफ देखा, सीधा पेटी के पास गया, शंख उठाया और शंख को कहा शंख मेरी एक आंख फोड़, क्योंकि जब मेरी एक आंख फूटेगी तो ही तो मेरे पड़ोसी की दोनों फूटेगी, भले में फूटा हो जाओ लेकिन पड़ोसी की तो फूटनी ही चाहिए। फिर शंख को कहा शंख मेरे आंगन में कुआ खोद जाए, इसके आंगन में एक कुआ पड़ोसी के दो। बेचारा पड़ोसी हो गया अंधा और मेरे भाई बहनों प्रकाश की तलाश में घर से बाहर निकला और कुएं में गिर के पड़ोसी की मौत हो गई। तो जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, ऐसी ईर्ष्या भी किस काम की, हमें एक हाथ से अंधा होना पड़े और आंगन में कुआ आना पड़े। तो कोई जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों, भगवान जो भी देगा अच्छा देगा और समय आने पर सबको मिलेगा। और थोड़ा विश्वास खुद की मेहनत पर भी हम रखें, केवल किस्मत किस्मत को दोष देते जाए मेरे भाई बहनों इससे कुछ नहीं होगा। देखो किस्मत उन्हीं की बनती है जो पुरुषार्थ करते हैं, बिना पुरुषार्थ के किस्मत भी सहारा नहीं बन सकती है।